हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आरती गुरंगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है दिन के 2:30 बजे से और अभी तक हमने लंच भी नहीं करा है। और वैसे ये ब्लॉग नहीं है, ये भी है चैलेंज वीडियो। तो मेरी ननद लोग आए हैं, तो बच्चे कह रहे थे, बुआ के बच्चे आए हैं, तो उनके साथ भी हम चैलेंज करेंगे। इससे पहले मौसी की बेटी के साथ चैलेंज किया तो गुस्सा हो जा रही थी बार बार, लेकिन कह रहे अब भैया लोगों के साथ भी चैलेंज करेंगे करके। तो दोस्तों, पहाड़ों के साइड को तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन हमारे हल्द्वानी के साइड को देखो बादल नहीं है। और यहाँ लगी है चमचमाती खिली हुई धूप, बहुत तेज वाली। और इतनी तेज धूप में हम ब्लॉग बनाने के लिए ऊपर छत में आए हैं और सर में चक्कर आ रहा धूप को देख के, इतनी तेज धूप लग रही है। तो ये है मेरी ननद के बच्चे। तो बच्चे कह रहे थे कि इन्हीं के साथ हम बनाएंगे चैलेंज वीडियो, तो मजा आने वाला है ना चैलेंज वीडियो में। तो अपना नाम भी बता दो फिर। हाँ, गौरव मेहता, भावेश मेहता, तो इसका नाम भी भावेश है ये। हाँ, और इसके मुंह में देखो कुछ डिजाइन बनी हुई है, क्योंकि ये बना था चिंटू। ये है हमारा चिंटू, चिंटू वाला शॉर्ट बनाया था हमने ना। तो चलिए दोस्तों, नीचे चलते हैं और नीचे जाके करते हैं धमाकेदार चैलेंज। तो खूब मजा आने वाला है आज के चैलेंज में, तो देखना। तो दोस्तों, अभी होने वाला है मजेदार सा चैलेंज और सेटअप लग चुका है। चैलेंज भी नहीं बोलेंगे इसे, बोलेंगे गेम्स। ये बचपन में हमने बहुत ज्यादा खेला है, स्कूलों में ज्यादातर यही गेम्स खेला जाता था। और इस गेम्स का नाम है कुर्सी दौड़। जब बच्चे कुर्सी दौड़ में जीतेंगे तो देखते हैं कौन जीतता है, कौन हारता है इसमें। यहाँ पे मैंने चार कुर्सियां रख दी हैं और बच्चे हैं पांच, और ये घूमेंगे। पहले म्यूजिक बजेगा, लेकिन हम म्यूजिक नहीं बजाएंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए एक जना गिनती गाएगा, स्टॉप बोलेगा। तो जब स्टॉप बोलेंगे, जो जहाँ पे है वहीं पे खड़े रहेगा, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं। जहाँ पे कुर्सी मिलेगी वहीं बैठना है, और जिसे नहीं मिलेगी वो आउट। तो सभी ने बचपन में ये गेम खेला ही होगा। तो बच्चे भी तैयार हैं और फर्स्ट राउंड यही है कुर्सी दौड़। तो फर्स्ट राउंड का चैलेंज है कुर्सी दौड़। तो बच्चों तैयार हो? और यहाँ पे है रेफरी साहब और ये पीठ मुड़ा के बैठे हैं यहाँ पे, बच्चों को नहीं देख रहे हैं। ये बोलेंगे चलो चलो चलो, फिर रुको बोलेंगे, तब जाके बच्चे रुक जाएंगे यहाँ पे। तो पता है ना बच्चों क्या करना है? हाँ, तो तैयार, वन टू थ्री स्टार्ट। ये अरे सभी सभी महारथी यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन पीयूष थोड़ा सा आउट हो चुका है। पीयूष और गौरव भी, गौरव को भी कुर्सी मिल गई, नवनीत को भी मिल गई, भावेश को भी मिल गई, और बड़े भावेश को भी मिल गई है। अब एक कुर्सी हटा देंगे हम। अब है तीन कुर्सी और चार बच्चे, तो देखते हैं कौन जीतेगा। ये नवनीत ने चीटिंग कर दी, नवनीत ने चीटिंग कर दी, नवनीत पीछे आ गया था, पीछे आ गया था नवनीत। क्या हुआ, दांत में लग गई? कोई बात नहीं, कोई नहीं। कहाँ लगी है ज्यादा? नी लगी थी। अरे ये तो रोने लगे, नी लगी नी। अरे इतनी सी बात के लिए रो रहा है, देखो दिखा दिखा कहाँ पे। नहीं तो कहीं कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे तो। अरे गेम्स में छोटी मोटी चोटें लगते रहती हैं, लेकिन चोट नहीं लगी अभी फिलहाल। तुमसे ना हो पाएगा। अभी दो कुर्सियां बज गई हैं और नवीद आउट हो चुका है, रोने लग गया है वो चोट लगी करके। अब तीन लोग बचे हैं, एक है गौरव, दो भावेश। तो देखते हैं, चलो दौड़ो। बड़ा भावेश आउट हो चुका है, दे एक कुर्सी और दो बच्चे, तो देखते हैं। ये ये देखो, सबसे छोटे भाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो चारों में से, पांचों में से सबसे छोटा है वही जीता, और दिन नवनीत जीता है, नवनीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अब जो विजेता है उसको घोषित करते हैं। विजेता है गौरव, गौरव मेहता जीत गया है, और सेकंड आया है भावेश मेहता। तालियां तालियां बजाओ। चलो इसी के साथ फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, और सेकंड राउंड आपको दिखाते हैं भी क्या है। तो गौरव जीतने के बाद कैसा लग रहा है फिर?
बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। और चैलेंज के सेकंड राउंड की तैयारी हो गई है और सेकंड राउंड में है रस्सा कस्सी। तो रस्सी तैयार हो रही है पीछे, यहाँ पे रस्सी तैयार हो रही है। ये इतनी मोटी रस्सी देखिए कभी हमने जोड़ मरोड़ के उसको मोटा कर दिया ये। चलो पकड़ो। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। एक साइड है भावेश और भावेश, दो साइड है, दूसरी साइड है पीयूष और नवनीत। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतने वाली है। तो लगाओ दम, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। खींचो 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 हार गए दोनों भावेश हार गए। अरे नवनीत और पीयूष जीत गए। जेठालाल वाला डांस चल गया इधर। ये तो पारस और नवनीत जीत गए हैं। तो कैसा लग रहा है नवनीत अभी जीत के? बहुत अच्छा। और कैसा लग रहा है हार के? तो यहाँ पे है एक हारने वाली टीम और जीतने वाली टीम। तो जीतने वाली टीम है नवनीत और पारस की और हारने वाली टीम है भावेश और भावेश। दो भावेश ये हार गए हैं सेकंड राउंड। तो अब थर्ड राउंड की बारी। तो दोस्तों थर्ड राउंड की बारी आ चुकी है। थर्ड राउंड में है यहाँ पे कुछ ये चिप्स वगैरह हैं। तो इनको बच्चे छू के बताएंगे कि क्या है इसके अंदर करके। तो एक एक करके पहले अनुमान लगा लो कि इसमें क्या है, फिर बाद में पट्टी बांध लेंगे इनके आंखों में। तो एक एक करके देंगे तो छू के बताएंगे कि आखिर किसमें क्या है, किसमें क्या है करके। ठीक है चलो। आलू भैया, ये है उसको सब पता है। चुने सभी ने देख के अंदाजा लगा लिया किसमें क्या है करके। अब आंखों में पट्टी बंधेगी तब जाके बोलेंगे कि असली में, तब पता चलेगा कि क्या इन्होंने गेस किया करके। जो सभी गेस कर पाएगा वही जीतेगा, जो एक भी गलत बताएगा वो आउट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो तीसरे राउंड का सेटअप लग चुका है और यहाँ पे है 5 आइटम जो बच्चों को करने हैं गेस, वो भी पट्टी बांध के। पहले अनुमान तो लगा दिया इन्होंने कि क्या क्या चीजें है करके। अब इनको बस छू के बताना है कि क्या है करके। जो अभी ये लाइन में दिख रही है ना, लाइन में नहीं होगी ये, आगे पीछे रोटेट हो जाएगी तुम्हारे आंख में पट्टी बत्ती। 100% सही बताएगा, सारे के सारे मतलब सही बताएगा वही विनर। तो सबसे पहले पीयूष गेस करेगा। तो कुछ दिख तो नहीं रहा है ना? पक्का? क्या पता। तो यहाँ पे सभी जो भी आइटम है सब बदल दिए हैं, आगे पीछे रोटेट कर दिए हैं। तो पीयूष रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। गेस करो। एक गलत। गलत। तो पीयूष ने दो गलत बता दिए, 3 सही बताए। तो चलो अब नेक्स्ट अगले की बारी। अब है बड़े भावेश की बारी। भावेश रेडी? चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आगे बोलो। एक गलत हो चुका है। आगे बोलो। बस मीठा। भावेश ने एक ही सही बताया, बाकी सब गलत बताए। गेस करने के मामले में भावेश ना हर टाइम पीछे रह जाता है। ये गलत है। सब गलत बताए उसने, एक ही चिप्स सही बताया, बाकी के सब गलत बताए उसने। तो भावेश आउट। मुझे लग रहा है कोई नहीं जीतने वाला ये राउंड। आज कोई भी विनर नहीं होने वाला लग रहा है। चलो अब तीसरा जो कंपटीटर है वो आ चुका है मैदान में, नवनीत कोरंगा। तो नवनीत कितने गेस कर पाता है तो देखते हैं। और यहाँ पे रोटेट भी हो चुके हैं सारे, आगे पीछे इधर उधर रख दिए हैं। तो देखते हैं नवनीत तैयार? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। आलू भुजिया, कुरकुरा, लेस। एक और है। आलू भुजिया। एक गलत। नवनीत ने 4 सही, 1 गलत।
एक गलत बताया, ये खट्टे मीठे को आलू भुजिया बोल दिया, ये इसको भी आलू भुजिया बोला, कोई बात नहीं। चलो अब है बड़े भाव इसकी बारी, ना छोटे भावेश की बारी, बड़े भावेश की बारी आ चुकी हो चुकी है, अब है छोटे भावेश। तो भावेश मेहता अब मैदान में उतर चुके हैं, तो देखते हैं भावेश कितने गेस कर पाता है। तो भावेश मेहता भी रेडी है और यहाँ पे घर रोटेट हो चुके हैं, लाइन वार लगा दो, चलो रेडी 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट से हाँ। अरे वाह, विनर तो हमें मिल गया, बड़ा तेज है, बड़ा तेज है ये, वेरी गुड वेरी गुड। सारे गेस करे 100% फर्स्ट निकला है भावेश। अब है गौरव की बारी, अब है गौरव की बारी, क्या पता गौरव भी सही गेस कर ले। तो गौरव मेहता भी रेडी हो चुके हैं, तो ये भी मैदान में उतर चुके हैं। बड़े भाई ने तो बड़ा कमाल दिखा दिया फर्स्ट आके, अभी देखते हैं अभी फर्स्ट गौरव भी आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकते अभी, जब गेम स्टार्ट होगा तब गेस करेगा तभी पता चलेगा। तो गौरव रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हाँ गुड, आलू भुजिया गुड, कुरकुरे गुड, खट्टा मीठा गुड। अरे अरे वाह, दोनों भाइयों ने क्या कमाल कर दिया है, दोनों भाई जीत गए हैं। देखो ये दिमाग दिमाग तेज तेज दिमाग है उनके पास। तो गौरव और भावेश के बीच में टाई हो गया था, तो इसलिए दोबारा से दोनों के बीच में और मुकाबला हो रहा है। तो दोनों में से जो जीतेगा एक ही विनर होगा, विजेता वो होगा, क्योंकि हमें एक ही विजेता चाहिए, दो नहीं। तो इसलिए गेम दोबारा हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट। तो दोनों भाइयों की टाई हो गई थी, तो इनके लिए राउंड थोड़ा सा कठिन कर दिया है। अभी दो ही उंगली से छूना है इनको, खाली दो उंगली ऐसे रखनी है, तो ऐसी बताना है इनको। चलो दो उंगली से छू के बताओ, रेडी स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। हाँ बस, हाँ हाँ हाँ, चीटिंग कर दी, चीटिंग। अरे आउट आउट कर दिया, आउट होने वाला नहीं था, इसको आउट कर दिया जानबूझ के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब है छोटे भाई की बारी गौरव की, तो गौरव फटाफट, कठिन कठिन राउंड है। हाँ कठिन, दो ही उंगली से छूना है, तो चलो दो ही उंगली। अरे गलत, तो भावेश जीत चुका है, बड़ा भावेश न छोटा भावेश जीत चुका है, गौरव हार। और इसी के साथ थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और हमें हमारा विजेता मिल चुका है। तो बड़ा लास्ट वाला तो बड़ा खतरनाक रहा, लास्ट वाला राउंड बहुत ही खतरनाक रहा, क्योंकि इसमें ये दोनों इतने तेज, दोनों ने सही सही बताया, तो इनके लिए एक राउंड और करना पड़ा हमें, इसमें दो ही उंगली से छूना था। तो इसमें विजेता निकला है भावेश मेहता और सेकंड गौरव मेहता। यह चीटिंग करनी पड़ी है। और आपको हमारा चैलेंज वीडियो देख के पसंद आया होगा और खूब मजे किए होंगे, तो इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।